हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंदर विजिटिंग कार्ड, या यू कहिए बिजनेस कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड बोलता है, कोई बिजनेस कार्ड बोलता है, ये मैं आपको एमएस ऑफिस 2007 के अंदर बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले आप अपना स्टार्ट करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, उसे खोलें। स्टार्ट में जाना होगा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स के अंदर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारा आपको सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट 2007 इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जब इंस्टॉल हो जाने के बाद बहुत सारा आपको ऑफिस पैकेज दिखाई देंगे। एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2007, इस पर क्लिक करें। करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का विंडो खुल जाएगा, जो पहला पेज खुलेगा गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2007। आपको क्या करना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है। तो विजिटिंग कार्ड बोल के तो नहीं है, बिजनेस कार्ड, कोई उसे बिजनेस कार्ड बोलता है, कोई उसे विजिटिंग कार्ड बोलता है, या दो तरीके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, बिजनेस कार्ड पर क्लिक करना है, अदरवाइज फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद न्यू करें। न्यू करने के बाद इस तरह का आपको पॉपुलर पब्लिकेशन टाइप दिखाई देगा। आप यहाँ पे से भी चूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के अंदर देखें पब्लिकेशन टाइप दिया, आपको क्या करना है, बिजनेस कार्ड, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी आपको ये आइकन दिखाई देगा बिजनेस कार्ड का, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप यहाँ से भी बिजनेस कार्ड क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको बिजनेस कार्ड का एक पैलेट दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे न्यूअर डिजाइन लिखा हुआ है, क्लासिक डिजाइन, ब्लैंक साइज। तो आप क्या करें, सबसे बेस्ट यही है क्लासिक डिज़ाइन चूज करें, सबसे बेस्ट होगा। क्लासिक डिज़ाइन चूज करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको विजिटिंग कार्ड के बने बनाए आपको टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। आप यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है आप यहाँ से चूज करें। सर जरा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन आपको दिखाई देगा जो आपको पसंद है। सपोज मुझे ये डिज़ाइन पसंद है या आपको ये डिज़ाइन पसंद है, जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से चूज करने के बाद सपोज मुझे ये डिज़ाइन पसंद है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एम्बेसडर डिज़ाइन, ये नाम है एम्बेसडर, इस पर क्लिक करें। उसके बाद क्रिएट, क्रिएट राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको दिखाई देगा क्रिएट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपका जो आपने डिज़ाइन टेम्पलेट चूज किया वो इस तरह आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, जैसे पहले से मेरा ये डिज़ाइन बना हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अगर सपोज लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके भी इसे मिटा के आप लिख सकते हैं। आप यहाँ से भी चूज करके लिख सकते हैं, फ्लिक प्रोडक्शन कंपनी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने लिख दिया फिल्म प्रोडक्शन कंपनी लिख दिया। अदरवाइज ये देखें यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, जैसे ही कर्सर रखेंगे यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एडिट बिजनेस इंफॉर्मेशन, एडिट बिजनेस इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करें, एक बिजनेस इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो पहले से मैंने इंक्लूड किया है। सिलेक्ट अ बिजनेस इंफॉर्मेशन सेट, आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल नेम जो दिया हुआ है, मेरा नाम दिया हुआ है, जॉब पोजिशन और टाइटल MT लिखा, ऑर्गेनाइजेशन नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर, फैक्स नंबर सब दिए हुए हैं। आप चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल नेम, इस जगह पे आप टाइप कर दें अपना नाम, जॉब पोजीशन देना है तो दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फिल्म प्रोडक्शन एंड कंपनी लिख देता हूँ मैं, PANY, यहाँ पे ऐड कर दें। एड्रेस अगर आपको देना है जो आपका एड्रेस है आप पुट कर सकते हैं, आसनसोल वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल कर दिया मैंने। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, आप यहाँ से भी और मोबाइल नंबर पुट करना चाहते हैं तो मैं ऐड कर देता हूँ। दे दिया मैंने, फैक्स नंबर है, मेल नंबर, आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन सेट नेम भी पुट कर सकते हैं, टैगलाइन भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेव कर दें। सेव कर देने के बाद यहाँ पे अपडेट पब्लिकेशन पूछा जाएगा, आप अपडेट जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया उसे अपडेट कर दें। इस तरह देखिए फिल्म प्रोडक्शन कंपनी यहाँ नाम था आ गया। आप इसे कलर भी यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर से डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप यहाँ से कलर भी चूज करके चेंज कर सकते हैं। नीचे एक बॉक्स आपको दिखाई देगा विजिटिंग कार्ड के, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ये फोटो के लिए, आप यहाँ पे चाहे तो फोटो आप पुट कर सकते हैं।
फोटो, फोटो कैसे, यहाँ पे देखिए लोगो पिक्चर लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करें। बॉक्स बॉक्स को क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएं, पिक्चर कैसे लाते हैं, इंसर्ट में जाएं, पिक्चर, पिक्चर के बाद क्लिप आर्ट भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रॉम फाइल, अगर आपने पिक्चर रखा है तो फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें और एक इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लुक इन में जाएं, जिस ड्राइव में आपने पिक्चर रखा है उस पर क्लिक करें और उसे चूज करें। मेरा पिक्चर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पैरेलल पिक्चर्स है मेरे, तो यहाँ से मैंने ये पिक्चर चूज किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये मेरा पिक्चर आ गया। ये जरा बड़ा है, इस पे आप कोना पे क्लिक करें, इस तरह ड्रैग करके इसे छोटा कर दें, इस तरह आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, चाहे तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, ये मेरा पिक्चर आ गया। आप यहाँ से भी डायरेक्टली अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी आप इसे सिलेक्ट करके नंबर चेंज कर सकते हैं आप, अदरवाइज जैसे ही आप इस जगह पे, ऊपर में आपको बटन दिखाई देगा, एक हल्का सा आई दिखाई देगा, राउंडेड सर्कल के अंदर आई दिखाई देगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, काला रंग का बटन है, एडिट बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। एडिट में जाएं, बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ से एडिट में जाएं, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं जो जो आपको चेंजेस करना है, उसको बस सेव कर दें। करने के बाद अब इसे मुझे देखना है प्रिंट में कैसा दिखेगा, ये मेरा फाइनल बन गया है, अब मुझे इसे देखना है ये मेरा विजिटिंग कार्ड कैसा दिखेगा, बिजनेस कार्ड, तो उसके लिए क्या करें, फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले आप देख लें, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं जो पेज है उसमें 1 2 3 4 5, 5 इधर है 5 इधर, 10 कार्ड वन पेज के अंदर। आप इसे मैं साइज जरा बड़ा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, 100%, आप देख सकते हैं ये मेरा विजिटिंग कार्ड, एक पेज के अंदर 10 कॉपीज मेरा विजिटिंग कार्ड निकल जाएगा, ये विजिटिंग कार्ड मेरा तैयार हो गया। तो ये बहुत ही आसान है विजिटिंग कार्ड बनाना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंदर। हम जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर ऑल इंस्टॉल हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाएं, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के अंदर बहुत सारा पैकेज, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर, आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर इस पर क्लिक करें, 2007 ये खुल गया। आपको क्या करना है, फाइल से भी आप न्यू कर सकते हैं या अदरवाइज आपको इस तरह दिखेगा, गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2007। आपको क्या करना है, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड को ही हम लोग बिजनेस कार्ड बोलते हैं, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें न्यूअर डिजाइन, यहाँ पे अलग डिजाइन दिया हुआ है, नया डिजाइन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं, या ब्लैंक साइज आपको लेना है, यहाँ अलग अलग साइज दिया है बिजनेस कार्ड का, साइज जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, बिजनेस कार्ड का ये जो साइज है ये सबसे स्टैंडर्ड साइज है, 3.5 इसका चौड़ाई है और 2 इंचेस इसका लंबाई है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप न्यूअर डिजाइन से भी चूज कर सकते हैं, क्लासिक डिजाइन से भी चूज कर सकते हैं, जो आपको डिजाइन पसंद है यहाँ से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज मुझे ये डिजाइन पसंद है, चाहिए डिजाइन, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट, राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखेंगे क्रिएट, क्रिएट करने के बाद इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा। सपोज आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आपको क्या करेंगे, जैसे आप उस पर अगर नहीं लिखा आपने तो वहाँ पे देखें एक बटन इस तरह दिखाई देगा, इस तरह जितने भी आपने लिखा है आप या तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसे आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर क्लिक करें। सबसे बेस्ट है अगर आप इस साइन के बगल में देखिए काला रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके एडिट बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जाने के बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो जो मैंने पहले इंक्लूड करके रखा है वो आपको दिखाई दे रहा है इस जगह। अदरवाइज एडिट में जाएं, यहाँ से भी आप चेंज वगैरह, नाम वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऑर्गेनाइजेशन नेम चेंज करना चाहते हैं, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एंड वीडियो मेकर कर देता हूँ, मेकर कर दिया मैंने। उसके बाद अगर एड्रेस आपको डालना है एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर दें, अपडेट पब्लिकेशन कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया फिल्म प्रोडक्शन कंपनी वीडियो मेकर। ये जो ब्लैंक जगह है यहाँ पे आप फोटो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो के लिए है, आप देखिए लोगो पिक्चर लिखा हुआ, आप इस पे फोटो इस जगह पे कैसे लाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के अंदर आप देख लें। इंसर्ट में जाएं, पिक्चर,
फ्रॉम फाइल, फाइल में जाने के बाद इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस जगह से चूज करें आप जिस ड्राइव में आपने पिक्चर रखा है, वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से मैंने पिक्चर चूज किया, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर है, ये पिक्चर है, इंसर्ट किया मैंने, ये पिक्चर आ गया। यहाँ पे से इस तरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पे पिक्चर भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चूज पिक्चर लगा सकते हैं। अब जब हो जाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बॉक्स को भी डिलीट कर सकते हैं। करने के बाद आप चाहें तो ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। यहाँ से जाएं, यहाँ पे देखें चेंज हो गया कलर। आप चाहें तो ये फॉन्ट का लिखा हुआ कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए, फॉन्ट का डिफरेंट कलर, ये चेंज हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करें इसका फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो यहाँ से भी आप साइज चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसे सिलेक्ट करके चाहें तो सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल जैसे हम लोग वर्ड में काम करते हैं सेम टू सेम उसी तरह है, सिर्फ आपको पुट करना है नेम एड्रेस सब कुछ। आप ये डिज़ाइन वगैरह भी हटा सकते हैं अगर आपको जो पसंद नहीं है, आप इसे ऊपर नीचे इसे आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह। ये करने हो जाने के बाद अगर आप इसे देखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, चेंज टेम्पलेट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन बन जाने के बाद बेस्ट यही है कि आप इसे फाइल में जाएं, जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू इस पे देखें। यहाँ पे 10 कॉपीज आपको विजिटिंग कार्ड जो मैंने डिज़ाइन किया वो आपको दिखाई देगा। ऐसे साइज में ज़रा यहाँ से जूम का साइज ज़रा बढ़ा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा विजिटिंग कार्ड सब 10 कॉपीज तैयार हो गया। अब उसके बाद आप क्लोज कर दें, आप विजिटिंग कार्ड इसी तरह बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे आसान है और इजी प्रोसेस है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2007। वैसे जनरली हम लोग पेज मेकर या कोल ड्रॉ में विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2007 बहुत ही आसान और इजी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।